यार बात सुनो यार, ये इनक्यूबेटर निकालना है यहाँ से, और जो है ना यार ये सब भी डॉग अंडे रखने हैं इनक्यूबेटर के अंदर। हाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग, वेलकम टू एन अदर डे। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इनक्यूबेटर में अंडे क्यों रखने हैं और हमारी मुर्गी ने क्या किया है, सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ अभी। एन पानी लेके आओ इसके अंदर। हाँ फिर इसके अंदर मैंने दोस्तों पिछली दफ़ा जो तजर्बा किया कि अंडे हमारे जो है ना घूम जाते थे पूरे ना, तो अब यह है कि अगर तिनका रखा होगा और मैं रखूँगा ना फिर वो इधर उधर नहीं जाएंगे। ये देखें इसे सहारा मिल जाएगा, थोड़े से तिनके बीच में रख देते हैं, बाकी देखी जाएगी। यार आग तो नहीं लग जाएगी यहाँ तिनको को? रख लो के बिल्कुल गिराना नहीं है, सीधी 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 आराम से बिल्कुल हो गई। और अब ये मैं उठाऊंगा तो ये इधर से हल्का सा उठता है ना। हाँ हाँ अंडों को पहले रख दूँ ना फिर निशान लगाएंगे ना, पहले इसको रख दूँ ट्रे को। इन अंडों को लगाओ एक एक तरफ, बस एक तरफ लगा दो और इसको भी लगाओ। और अच्छा चलो जी दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं और रखते हैं। ये आ गया वन, उनको नहीं लगाना अभी। ये आ गया टू, ये आ गया थ्री। ठीक है इन अंडों का मैं बताता हूँ। अयान पहले पता है क्या करो कि उसको ब्लैक मुर्गी को उठा के खाना खिलाने के लिए वहाँ नाली के पास छोड़ो ना, मैं बताता हूँ फिर। ये तीनों अंडे जो है ना हमने वापस रखने हैं मुर्गी के नीचे, और मुर्गी के नीचे से दूसरे अंडे। मैं सारी तरतीब आपको बताता हूँ कि ये सारा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या लॉजिक है। तो दोस्तों हमारे एक फ्रेंड ने हमें कहा कि जो है ना ये आपकी मुर्गी नौ अंडे देके कुड़क हो गई थी और आपको जो है ना इसे नौ ही अंडों पे बिठाना चाहिए, इसका वजूद इतना नहीं है कि ये ज़्यादा अंडों पे बैठ सके, ये ख़राब कर देगी अंडे। तो इसलिए मैं आज बाकी सारे अंडे इनक्यूबेटर में रख रहा हूँ, आठ नौ अंडे इसके नीचे रखूँगा ताकि ये भी सही तरीके से इनक्यूबेट करे और जो है ना बाकी इंक्यूबेटर में भी बच्चे निकले। इंक्यूबेटर में बच्चे निकलते जाएंगे, हम इसके नीचे रात रात को छोड़ते जाएंगे, तो इंशाल्लाह पालेगी सारे यही। और ये गोल्डियन के अंडे यहाँ रखने की वजह ये है कि गोल्डियन के बच्चों को फौरन ही, आपने पिछली दफ़ा देखा हमारे साथ क्या हुआ, इन्हें फौरन ही केयर की ज़रूरत होगी, तो अच्छी बात है ये यहाँ रहें। ये देखें दोस्तों मैंने पूरे में थोड़ी थोड़ी तूड़ी डाल दी और यहाँ भी तूड़ी रख दिया, इससे गर्माइश रहेगी और हम साथ के साथ जो है ना बाकी खानों में भी तूड़ी डाल रहे हैं। और यहाँ रैबिट का भी, यहाँ ज़रा सेट सा करो, मैं अभी आके देखता हूँ ना, इतने में अंडे रख के आया। अच्छा जी दोस्तों ये देखें, अब ये तीन रानी के अंडे और एक दो तीन चार पाँच छः सात ही हमने ब्लैक मुर्गी के अंडे रख दिए हैं इसके अंदर इनक्यूबेटर के अंदर। पहले भी हमारे बच्चे तो ठीक निकले थे और आज तारीख हो गई 28, तो इंशाल्लाह 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 अगले महीने की 20 तारीख को हमारे पास चूजे अंडे बच्चे हो जाएंगे। इसको बस अभी बंद करता हूँ और इसका टेम्परेचर चेक करूँगा ठीक चल रहा है कि नहीं। दोस्तों ये देखिए हमने सारे के सारे अंडे इसके अंदर रख दिए हैं और ये अंडे हमारे जो है ना अब इसको मैं बंद करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको रोज रोज जब चेक करेंगे तब भी आपको दिखाएंगे हम। दोस्तों इधर कुछ समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, वो देखें हमने रेड बास्केट में और ये येलो बास्केट में रखी थी नेस्टिंग, ये रेड वाली भी उठा के पूरी इकट्ठी ही ऊपर ले गए हैं, कैसे ले गए कुछ समझ नहीं आती। और हमारे कॉकटेल की फीमेल गई हुई है अंदर, तो जल्दी की खुशखबरी आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे इधर क्या हालात चल रहे हैं, वो एक अंडे पे बैठा हुआ है, बस अंडे पे दोस्तों एक ही बैठा हुआ है, और जो है
बाकी कबूतर हमारे सही ठीक ठाक है दोस्तों। आज बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बारिश अभी शुरू भी हुई थी तो मैंने इसलिए परिंदे खोले नहीं, ये कबूतर वगैरह, फिर ये ऊपर बैठ जाते हैं। कल इतनी मुश्किल से 3 कबूतर बंद हुए हैं कि अब बस कुछ पूछे ही ना, तो हम बस उन्हीं के साथ लगे रहे हैं। दोस्तों कोई ख़ास चक्कर लग रहा है मुझे, ये देखें, एक तो ये फीमेल बाहर आई है और ये वहाँ दीवार से कैल्शियम खा रही है, दूसरा मेल अंदर चला गया। मैं इसके लिए अयान यार बात सुनो, कैल्शियम है, कैल्शियम वो वाला है वो जो हमने वो डली थी कैल्शियम वाली, वो खा गए थे लोग यार, कुछ और चाहिए ना, वो वहाँ दीवार पे जाके खा रही थी अभी ये फीमेल। अच्छा मैं देखता हूँ फिर अगर यहाँ से मिले तो, मिले नहीं कोई और किसी केज में पड़ा हुआ थोड़ा बहुत वो ला के इन्हें रख दे या कोई कुछ भी मट्टी शट्टी वो ये, ताकि वैसे तो मट्टी इसके अंदर इतनी है तो कुछ होना चाहिए इनके लिए। ये करो आप साथ और फिजान अंकल से पूछना, ये क्या 12 सिंगा सा उठा के ले आया है यार, ये देखे दोस्तों 12 सिंगा ले आया है यार, कहता मेरी में रखूंगा। रोहान इधर आओ आप, दरवाज़ा पूरा भी खोलना है, खोलो इसको अंदर भी लेके जाना है, ये लो यान टेढ़ा करो खोलो बन, बन। तो इस तरफ से पहले आपको उड़ानी चाहिए थी ये, ऊपर से उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, रख के आओ देखें कैसी लगती है। दोस्तों हमने कर दी है अवेरी की लुक चेंज, मैं आपको जरा अगर दिखा सकूं, ये देखें ये लुक हो गई है अब अवेरी की, और ऊपर हमने दोनों कोनों में डब्स के लिए लगा दिया है, और ये देखें ये नई एक झाड़ी ले आया यान, और ये देखें नीचे से लेके ये देखें कैसी ज़बरदस्त हो गई, सारे बॉक्स ऊपर एक लाइन में लगा दिए, लकड़ियां मैंने उतरवा दी हैं, इधर 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 चलो यहाँ आ तुम्हारे, अब ये नौ अंडों पे ना आराम से बिल्कुल बैठ जाएगी, देखे कर दिया सेटिंग, अजीब है यार नौ अंडे भी देखे नीचे नहीं ले रही है सही तरीके से, क्या कर क्या रही है। फिर मुझे लगता है बिल्कुल पहली दफा कुड़क हुई है ये, एक अंडा ये यहाँ साइड से बाहर आया हुआ है, एक आगे से बाहर आया हुआ है, पता ही नहीं है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से सेटिंग इसकी करनी पड़ती है, ये अजीब, चलो खैर आज के दिन में शायद सेट कर लेगी नेस्ट ये अपना, बाकी इनक्यूबेटर में तो साथ के साथ अंडे हमारे हो ही रहे हैं। आए देखते हैं जरा रैबिट हाउस यान ने कैसा बनाया है, वो ये देखिए दोस्तों रैबिट हाउस बन गया, नीचे वाले में तो डालनी थी अभी तोड़ी आपने, दोस्तों कबूतरों को खाना डालना है, और इनका लॉड ये लगा दूं मैं, खाने नहीं आ रहे यार देखे जरा कैसे हुए मैं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। पिंचिस कोई भी नहीं बैठी भाई, मुझे लग रहा है आप कांटों वाली झाड़ी ले आए हो, गिराता तो नहीं है ना ये, नहीं गिराता नहीं है, खाने वाले के अंदर ही रखो अलबत्ता, ताकि नीचे ना गिरे और लकड़ी खराब ना हो। थोड़ा सा ये ग्रीन भी लेके आया है रोहान इसके लिए, वो भी रख दो, हाँ धनिया ही ला के डाल दो, वो उसका कुतरी है
उसने नेस्टिंग करनी होगी अपनी, कोई फीमेल है, अब मेल अंदर गया हुआ है। ये देखें जी दोस्तों, ये बना दिया यार ने रैबिट हाउस, और रैबिट साहब ये बैठे हुए, थोड़ी थोड़ी उस तरफ भी तो डालो ना यार, ये उस तरफ कम कम क्यों था। ओए सॉरी 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 सॉरी, तो ये रैबिट का क्या हो गया इसके मुंह पे, मेरे से जो है ना ये क्या बोलते हैं इसे, भूसा तूड़ी ये डल गई है। तो नीचे वाला भी खाना हमने अब ये तूड़ी से, ये कि दोस्तों तूड़ी से रहेगी गरमाई, और ये हमारे अच्छे थोड़े, क्योंकि एक दो दिन में बारिश शुरू होने वाली है ज़्यादा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।